हरे कृष्णा दिव्य मोहन प्रभु एंड हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आप सब लोगों का हमारे भगवद गीता स्पेशल सेशंस में बहुत बहुत स्वागत है और वी आर आल्सो वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव दिव्य मोहन प्रभु हु एग्रीड। मैं सुबह बात कर रहा था प्रभु जी से कि हम कुछ भगवद गीता स्टार्ट करते हैं और प्रभु जी इमीडिएटली एग्रीड और मैंने बोला प्रभु जी आज से ही कर देते हैं। सो वी एग्रीड विल बी इन मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश एंड हम लोग जो है चैप्टर वी विल गो चैप्टर बाय चैप्टर। वी विल ट्राई टू कंप्लीट वन चैप्टर इन वन सेशन पर नहीं भी हो पाएगा तो वी विल टेक बट आइडिया इज विल गो चैप्टर बाय चैप्टर ताकि 20-25-23 हफ्ते के अंदर वी कैन कंप्लीट भगवद गीता इन ए समराइज मैनर। सो वी हार्टली वेलकम दिव्य मोहन प्रभु लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोस्ट ऑफ अस वन सेकेंड प्रभु मोस्ट ऑफ यू यू नो दिव्य मोहन प्रभु ही इज बीन देयर विद अस as a wonderful friend, as a brother. He's been there for a long time with Gurgaon congregation. He works with Philips as at the post of a director. He's a chartered accountant and very brilliant person and a very wonderful devotee also. So you can ask open-endedly, you can ask questions from Prabhuji and we hope these sessions will be fruitful for yourself. Hare Krishna. Yes, Prabhuji, over to you, Dev Mohan Prabhu. Thank you so much, Giriraj Prabhu, for giving this chance to share Bhagavad Gita with everyone. And thank you everyone for joining us. Ki aap sab log aaye aaj ke shaam ke program pe. Jaisa ki Giriraj Prabhu ne bola ki matlab hum koshish karenge ki ek agar lamba chapter hai to usko do session mein kar le. Nahi to ek session mein we'll continue doing the Bhagavad Gita. And thank you. So we'll just do 5 minutes kirtan and then we'll start the session. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallava Giri Varadhari Jai Radha कुंज बिहारी गोपी जान वल्लभा गिरिवार यशोदानंदना गज जाना राजन यशोदानंदना गज जन राजन यमुना तीरा वन चारे यमुना तीरा वन चारे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जान वल्लभा गिरिवारधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जान वल्लभा गिरिवारधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jai Shri Prabhupada Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. So, before we start, तो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले हम आज थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे भगवद गीता की इंट्रोडक्शन के ऊपर. सो आप सबके पास दिस बुक यू हैव, इफ यू आर हैविंग राइट नाउ, सो प्लीज ओपन द पेज वन इंट्रोडक्शन. सो मंगलाचरण करेंगे एंड देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट our study. अच्छा, so अभी जो लिंक है ना इसका, अगर आपके पास हैंडी अगर भगवता नहीं है तो इसका वेदाबेस का लिंक चैट पे शेयर किया है, तो आप उससे भी देख सकते हैं. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री गोपाल. तो आज से जो हम शुरू करने वाले हैं भगवद गीता, उसमें सबसे स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है कि व्हाट इज भगवद गीता एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी इसका महत्व क्या है पूरे शास्त्रों में. तो प्रभुपाद जी इसका भगवद गीता के पहले ही जो वर्ष आता है, पहले अध्याय का पहला वर्ष, उसके परपट में इसका बताते हैं. इफ समवन इज फॉर्चुनेट इनफ टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता इन दैट लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन विदाउट मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन देन ही सरपासेस ऑल स्टडीज ऑफ वैदिक विजडम. मतलब जितनी भी वैदिक विजडम में जितनी भी स्टडीज आप कर सकते हैं, आपके आपने कभी भी जितने भी वेदों का पुराणों का किसी का भी नाम सुना है, उसका उसको जो सरप्रास करने वाला ग्रंथ है वो है भगवद गीता एंड ऑल स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड. वन विल फाइंड इन भगवद गीता ऑल दैट इज कंटेन्ड इन अदर स्क्रिप्चर्स, बट द रीडर विल ऑल्सो फाइंड थिंग्स विच आर नॉट टू बी फाइंड एल्सवेयर. सो ऐसा हो सकता है कि
ऐसा तो है कि जो भी बाकी शास्त्रों में लिखा गया है वो भगवद गीता में है, लेकिन ऐसा भी कुछ मिलेगा आपको जो भगवद गीता में लिखा हुआ है और बाकियों में हो सकता है आपको ना मिले। तो विच मीन्स कि ये कंप्लीट इन इटसेल्फ है। और भगवद गीता है क्या, ये महाभारत के अंदर जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सब कुछ है। उसके साथ साथ इसका एक और कारण है, क्योंकि ये भगवान के मन की बात है। क्योंकि हम जनली किसी को कैसे जानते हैं, मान लीजिए हमें किसी को जानना कैसे है, तो एक है कि हम दूसरे के मन को समझ सकें कि वो हमारे पास हैं, है ना, मन को समझ सकते हैं। दूसरा है हम अगर नहीं समझ सकते वो खुद ही बता दें कि उनके मन में क्या है। तो जैसे जैसे मोदी जी के भी मन की बात आती है ना, तो हर कोई सुनता है, तो लेकिन पॉलिटिकल मामले में तो पता नहीं क्या है, वो सच झूठ भगवान ही जानते हैं। लेकिन लेकिन जो भगवान के मन की बात है जो उन्होंने अर्जुन को बताई है, उसमें उन्होंने हर चीज बताई है। तो इसमें जब हम वर्सेस को आगे पढ़ेंगे तो उसमें गुह्य बताया हुआ है, जो गुह्य कॉन्फिडेंशियल चीजें बताई हैं, गुह्यतर बताया हुआ है, थोड़ा और कॉन्फिडेंशियल बताया हुआ है, उसमें गुह्यतमम और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज बताई हुई। तो एक तो ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ग्रंथ है भगवद गीता। और दूसरा है, कई बार ये प्रश्न आता है कि ये हमें समझ नहीं आता, मतलब हम पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता, और तो फिर हो सकता है ये जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए है, कि जो बहुत बुद्धिजीवी जो हर भगवान की जो भाषा है उनको समझ पाए उनके लिए है। तो ऐसा ही एक प्रसंग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया भ्रमण करने जाते हैं, तो वहां पर एक रंगनाथ जी के मंदिर में जब जाते हैं तब उनको एक साउथ इंडियन एक ब्राह्मण मिलते हैं जिनके हाथ में भगवद गीता से पकड़ी हुई है, और वो उसको देखकर रो रहे हैं, है ना। और उन्होंने ये भी देखा जो आसपास के और ब्राह्मण हैं वो कुछ व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ब्राह्मण हैं वो इलिटरेट हैं, इलिटरेट माने अनपढ़, कुछ उनको पढ़ना नहीं आता, एक अल्फाबेट तक नहीं पढ़ पा रहे। तो फिर तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा उनको ऐसे रोते हुए भगवद गीता के सामने, तो उनको हुआ जिज्ञासा हुई कि पूछूं कि क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप ये क्या पढ़ रहे हैं और आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने पहला प्रश्न का उत्तर दिया, कहते उन्होंने देखा कि जेन्युइन व्यक्ति हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, कोई सीरियस लग रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे भगवद गीता पढ़नी नहीं आती, क्योंकि मैं तो एक अल्फाबेट मतलब एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन जो मेरे गुरु महाराज हैं उन्होंने मुझे ये आज्ञा दी है कि तुम भगवद गीता पढ़ो, जबकि वो जानते हैं कि मैं अनपढ़ हूं। तो फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा आप अगर पढ़ नहीं पाते हैं, कहते मैं प्रिटेंड करता रहता हूँ ऐसे खोल के कुछ ना कुछ देखने का कि क्या है, खोलता रहता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप फिर रो क्यों रहे हैं, वो कहते मैं रोता इसलिए हूँ जैसे ही भगवत का खोलता हूँ तो मुझे ये उनका पार्थ सारथी ये चित्र मेरी आंखों में नजर आता है, अगर आप देख पा रहे हैं कि कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। और अगर आप सारथी होना एक्चुअली बड़ा सारथी सुनने में अच्छा लगता है, ड्राइवर कह दे थोड़ा सा लगेगा कि करंटली वी कैन सी कि ड्राइवर डजंट हैव अ वेरी गुड सिचुएशन, है ना। तो जो सारथी की पोजीशन बहुत ज्यादा मीनियल मानी जाती है, उसमें क्या होता है कि अगर अगर जो वाहक है उसका जो होस्ट है रथ का उसको उतरना है, तो सारथी पहले उतर के उनको हाथ दे उतारेगा, घोड़ों को पानी पिलाएगा, युद्ध में डायरेक्शन देने के लिए ये बोलना नहीं पड़ता है कि उनको राइट जाओ लेफ्ट जाओ, क्योंकि इतना शोर मच रहा है, कोई माइक्रोफोन लगे नहीं, कुछ नहीं लगा, तो वो कैसे है पैरों पे पैर मारना है कंधों पे। अगर राइट जाना है तो जो होस्ट है उसको सवार है जो
रथ सवार है उसको राइट पैर मारना है तो राइट मुड़ेंगे, लेफ्ट मारेंगे कंधे पर सारथी के तो लेफ्ट मुड़ेंगे। तो अब आप सोचिए उस पोजीशन पे भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं अर्जुन की, तो वो जो ब्राह्मण देव हैं यही देख देख के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं लेकिन भगवत गीता की ये भगवत गीता को देख के मेरे को ये याद आता है। तो एक्चुअली जो सारांश है भगवत गीता को यही है कि हमारी बुद्धि भगवान के प्रति लगे, भगवान के भक्तों के प्रति लगे, और इसमें जो कृष्ण है एक मतलब कोई ऐसा चीज नहीं जो इसको जानने के बाद जो गे है आपके लिए या किसी के लिए भी, हमारे लिए अगर कोई गे है चीज वो ना जाने हो, कोई ऐसी चीज नहीं। तो इसमें पांच जो प्रमुख ट्रुथ है उनका वर्णन है जिसमें भगवान अपने बारे में बताएंगे। क्योंकि मन की बात में क्या है, मन की बात में सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आप क्या आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है ना। तो अगर हम किसी को जानना चाहते हैं ये सब क्वेश्चन तो आए, आप कहाँ से हैं, मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन है। और फिर वो बताते हैं कि उस मन की बात में कि आपस में जो जीव है ना, जीव और भगवान का संबंध क्या है। और फिर कोई प्रश्न पूछे ये इतनी सिचुएशन मान लीजिए जैसे कोविड जैसी सिचुएशन चल रही है, क्यों चल रही है, इसका भी प्रश्न उन्होंने दिया है उसके अंदर कि कर्मणों गतना गति, कैसे कर्म का चक्कर चलता है, कैसे प्रकृति, हम जल्दी कहते हैं नेचर जी, ये आजकल नेचर बड़ी विपदाएं आ रही हैं इतनी सारी है ना, तो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। कई बार बड़ा अच्छा नेचर होता है प्रकृति, फल फूल सब्जियां सब अच्छी आती हैं, हमने अगर शास्त्रों में पढ़ेंगे तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, तो भगवान बताते हैं कैसे उनके अंतर्गत ये सारी प्रकृति चल रही है। और फिर ऑल्सो बताते हैं कि समय का कैसे चक्र आता है, समय जो टाइम है दैट इज अ इम्पर्सनल फीचर ऑफ कृष्णा, और वो कभी काल की तरह ग्रसित कर देते हैं किसी को समय की फॉर्म में। और जो समय है इज अ ग्रेट हीलर ऑल्सो, जो समय है वो हील भी करता है हमें, है ना। तो इस तरह से भगवान इन सब का इसमें चर्चा करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जानने योग्य जो है वो सब कुछ इसमें है। तो हम कैसे इसकी स्टडी करेंगे एक्चुअली, पहले तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है कोट किए हैं है ना, तो उनके मुखारविंद से हम सुनेंगे और उसको थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे कि क्या लिखा है। क्योंकि जो सीनियर भक्त हैं उच्च वैष्णव है बताते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद की इंट्रोडक्शन या परपर्स और कमेंट्री जो भी आप करें ट्रांसलिटरेशन, उसमें ऐसे ऐसे सूत्र हैं कीज हैं जिनमें से अगर आप एक सूत्र भी इवन सिंगल सूत्र अगर आप पकड़ लेते हैं हाथ में तो उसी से आपको आपका जीवन सफल हो सकता है। तो जैसे कि ये तो पूरी भगवत का ही सफलता की कुंजी है, जैसे हम छोटे होते एग्जाम देने के लिए कुंजियां ढूंढते थे कि थोड़े में अगर पढ़ाई करने से पास हो जाएं, तो वैसे ही ये भगवत गीता है। और उसके अंदर भी उस कुंजी के अंदर भी अगर अगर कहें कि मैं 700 वर्ष भी कंप्लीट नहीं कर सकता, 700 इसमें श्लोक हैं वो भी नहीं कर सकता, तो आप एक चैप्टर पकड़ लें, कोई एक चैप्टर अगर वो भी नहीं कवर कर सकते, कोई कोई खास वर्ष जो है जो स्पेशल मे बी वर्ष हैं उनको पकड़ लें, मे बी 7-8-10 होंगे भगवत गीता के, वो भी नहीं कर सकते, एक वर्ष पकड़ सकते हैं उससे ही हमारी जो है सफलता हमको मिल सकती है। तो वो डिस्कस करेंगे कैसे एक वर्ष से सफलता मिल सकती है जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो हम कंटेंट कैसे रखेंगे इसका, हम प्रभुपाद जी के जो इंट्रोडक्शन में मेन मेन पोर्शन पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसे हम चैप्टर्स में जाएंगे तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हमेशा उनका एक पैटर्न रहता है, वो बहुत ज्यादा इस चीज पे जोर देते हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत जो भगवान ने बोली है उसका भी हम कोशिश करें उच्चारण करने का। हो सकता है अभी शुरू में ना हो पाए लेकिन जैसे हम शुरू करें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्वा, तो
मैं बोलूंगा आप इसे दोहराएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करते करते हमको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी से काफी मिलते जुलते हैं। एक्चुअली हिंदी जो का जो व्याकरण है या जो लिपि है पूरी की पूरी संस्कृत से ही उद्भूत हुई है, आई है ना। तो उससे क्या होगा, हम उसके साथ फैमिलियराइजेशन होनी शुरू, फैमिलियर उसके साथ होना शुरू हो जाएंगे वर्सेस के साथ, और धीरे धीरे हमारे माइंड में वो इम्प्रिंटिंग होने शुरू हो जाते हैं। जैसे महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो जो भगवान के नाम है उनसे चित्त शुद्ध होता है। तो सिर्फ नाम से ही चित्त शुद्ध नहीं होता, जो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है उसको रिसाइट करने मात्र से भी हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो हो सकता है हमें उस समय पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है अंदर, तो ऐसा है कि जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी हमको, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है नहीं जा रहा है, वो तो 3-4 दिन के बाद पता चलता है जब हम ठीक होना शुरू होते हैं। ऐसे ही ये है, ये मेडिसिन है, इसको जब हम बोलते रहते हैं सुनते रहते हैं बोलते रहते हैं सुनते रहते हैं तो इसका इम्पैक्ट आता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो भगवद गीता कंप्लीट कर ली, एक बार तो पढ़ ली, हो सकता है कुछ भक्तों ने 2 बार पढ़ ली, हो सकता है ज्यादा भी पढ़ ली हो, बार बार पढ़ ली हुई है। तो उसके लिए अभी हम कोट करते हैं प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, सातवें भागवतम के सातवें स्कंद के 14 चैप्टर का वर्स नंबर है 3 और 4, उसके परपट में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट इज नॉट दैट बिकॉज वन हैज वंस फिनिश्ड भगवद गीता He should not hear it again. एक बार पढ़ लीजिए अब और जरूरत नहीं, एक बार सफाई हो गई अंदर। The word abhikshanam is very important. We should hear again and again. There is no question of stopping. Even if one has read these topics many times, we should go on reading again and again. Because why? Bhagavad Gita, Bhagavad Katha, the words spoken by Krishna and spoken by Krishna's devotees about Krishna are amritam nectar. So, 2 तरह की भगवत कथाएं होती हैं। एक भगवत कथा होती है जो भगवान ने बोली है, उनके मुखारविंद से निकली है। दूसरी है जो भगवान के बारे में बोली हुई है भगवान के भक्तों ने। तो कौन सी हो गई वो? पहली हो गई भगवत गीता, दूसरी हो गई श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत। तो इनमें भगवान के बारे में वर्णन है, तो इनको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो दिस इज द अमृत, द मोर वन ड्रिंक्स दिस अमृत द मोर ही एडवांसेस इन हिज एटर्नल लाइफ। फिर आगे बोला है प्रभुपाद जी ने अगले 10वें टेक्स्ट में, इसी चैप्टर के 7:14:8 में, इन द शास्त्रास The Puranas and other Vedic literature, there are so many narrations describing the transcendental activities of Supreme Personality of Godhead, and everyone should hear them again and again. For example, even if we read the entire Bhagavad Gita every day, all 18 chapters, in each reading we shall find a new explanation. This is very very important. This is a जो हमने बोला ना प्रभुपाद जी की उसमें सूत्र हैं, तो ये एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है कि अगर आपने रोज के रोज पूरी भगवद्गीता 18 के 18 अध्याय पढ़ रहे हैं, तब भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन ईच रीडिंग वी शैल फाइंड अ न्यू एक्सप्लेनेशन, दैट इज द नेचर ऑफ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर, दैट इज द नेचर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नेचर। सो मे बी हमें शुरू में लगेगा, अब जब तक हम इस पूरी रियलाइजेशन में नहीं आते, वी मे फाइंड इट्स अ लिटिल ओवरलैपिंग। इनफैक्ट कई बार हम देखेंगे प्रभुपाद जी भी कुछ चीजों को बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं भगवद गीता के बारे में, विल फील कि ये अभी तो सुन के आए थे, लेकिन दोज आर द पॉइंट विच ही नोज वी नीड टू बार बार सुनने में ही एंग्रेव हमारे अंदर होंगे, तो ऐसा उन्होंने बताया। So let's now start our study of Bhagavad Gita by introduction. We'll not cover entire, हर चीज नहीं पढ़ेंगे इसमें से, क्यों? क्योंकि फिर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अभी हमारा क्या है, एक फर्स्ट कट में क्विकली हम लोग कवर करेंगे सारी,
and then after that we'll come back again from the beginning and start chewing it again, slowly, slowly going with the motion. Okay, so ये 6 पेज पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं सेकंड पैरा. अगर आपके पास यही वर्जन है तो ऐसे होगा. मैं आई कैन ओनली फॉलो दिस नाउ. आई विल ट्राई टू से द रेफरेंस पॉइंट ताकि आप फॉलो कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सुनेंगे तब भी समझ आएगा. जस्ट व्हाट इज द भगवद गीता? द पर्पस ऑफ भगवद गीता इज टू डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम द साइंस ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस. Every man is in difficulty in so many ways, as Arjun also was in difficulty in having to fight the battle of Kurukshetra. ये इस शास्त्र की सबसे बड़ी ब्यूटी है. In fact, not only Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam का भी जो context setting है बहुत गंभीर है. जो Bhagavad Gita अगर जनली कोई कहे कि देखिए जी अभी ना मन बड़ा बेचैन है, इतनी स्थिति खराब चल रही है, लोग मर रहे हैं, घर में मर गए हैं, या फिर नौकरी चली गई है, मतलब सारी वॉर ऐसी सिचुएशन है, अभी मन विचलित है पूरा, ये पढ़ नहीं सकते, तो ये एक्चुअली ये एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता. उसका कारण है हमारी जैसी कैसी भी स्थिति होगी, ऐसी नहीं है कि अर्जुन वाली स्थिति में नहीं है. हमारे सामने ऐसा नहीं है कि आज एक ऐसी वॉर होनी पड़ेगी जहां पर करोड़ों लोग मरने वाले हैं, और जिसमें कि जो मुझे मारने सामने मारना है अपने पिता पितामा मामा भाइयों को मारना है. ऐसी स्थिति में अभी भी नहीं है. कोरोना चाहे जैसा मर्जी खतरनाक हो, लेकिन इस स्थिति में नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि जो शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट सेटिंग ही इस तरह से की गई है कि एक्चुअली टू सी सिचुएशन इन, जब हमारे मोस्ट विचलित सिचुएशन है ना, उसमें भी हम इसको कवर कर सकते हैं. हो सकता है मन अभी ना लगे, तो इसमें एक लेक्चर में श्री प्रभुपाद बड़ा सुंदर बताते हैं. अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं और प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं. अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि प्रभु मैंने ये सारी भगवद्गीता सुन ली है, मैंने सारी भगवद्गीता सुन ली, मतलब सारी के बीच बीच में मैं सुन रहा हूं, अभी तो बीच में बोल रहे हैं चाहे, तो जैसे 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 मेरा पुत्र मर रहा है, अभिमन्यु उनकी मृत्यु हुई, मेरे दुख तो हो रहा है, दुख तो हो रहा है ना, और तो उसका क्या उपाय है? तो भगवान देन उसमें प्रैक्टिकली उनको सिचुएशन बता रहे हैं कि देन ताम तिक्षस भारत, कि उनमें वर्ष है जिसमें उन्होंने बोला कि तिक्षस, कि आपको ये टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये जगत बनाया गया है उसमें चाहे वो भक्त हैं चाहे वो हम भक्ति में नहीं हैं, स्थितियां ऐसी हमेशा आएंगी जिसमें हमको टॉलरेट करना ही करना पड़ेगा स्थिति को. और देन टॉलरेट करने का मतलब क्या है, कि टॉलरेट करने का मतलब कि क्या करें, प्रैक्टिकल स्पीकिंग टॉलरेट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग टॉलरेट क्या, यू डू, यू कंटिन्यू डूइंग योर ड्यूटी. सो विच मीन्स कि if I have a trouble in the family or some situation is there, and we are saying ki okay, it's my duty, because Krishna said ki you, this is for you, this Bhagavad Gita, so by duty bound I'll continue studying this now Bhagavad Gita, whatever come may be. So that is how Krishna tells the practical situation, how do we progress in the life. So this is a situation for Arjun that he was in a difficulty to having to fight the battle of Kurukshetra. Arjun surrendered unto Shri Krishna, and consequently the Bhagavad Gita was spoken. Not only Arjun, but every one of us is in full anxiety because of this mortal existence. Agar main haath khade karne ko bolun ki who is not in anxiety, I think at least main to sabse pehle khada karunga. There are many anxieties. They keep coming without wanting it. They keep coming because this is the nature of the world. But the point is, do we have control on the anxiety? Answer is, I can't stop that coming, but I can work on my mental frame that how we will deal with that anxiety through this scripture. Our very existence is in the atmosphere of non-existence. Actually, we are not meant to be threatened by non-existence.
क्यों? क्योंकि वी आर द इटर्नल, आवर एग्जिस्टेंस इज इटर्नल, बट समहाउ और अदर वी आर पुट इनटू असत. असत रेफर्स टू दैट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट. एंड देन रूपा जी आगे बताते हैं, कुछ पैरा छोड़ के बीच में आएगा, आप ट्रैक क्रैक नहीं शायद कर पाएंगे. आई हैव हाइलाइटेड दैट. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इसमें प्रभुपाद जी पांच ट्रुथ का बताते हैं, उनमें से जो जीव है वो हमेशा कंट्रोल्ड रहता है. सो ईश्वर है, जीव है, जिसमें जीव की स्थिति हमेशा कंट्रोल्ड है. दिस इज अ पैरा 3 इन पेज 7. द सब्जेक्ट ऑफ भगवद गीता एंटेल्स द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 5 बेसिक ट्रुथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंस ऑफ गॉड इज एक्सप्लेन्ड, गॉड हिमसेल्फ, जो भगवान अपने बारे में बताएंगे. Then, the constitutional position of the living entities, jivas, हमारे बारे में बताएंगे. There is Ishwar, which means controller. There are jivas, the living entities, which are controlled. Now, अगली statement सूत्र है, आप note कर सकते हैं. If a living entity says that he is not controlled, but he is free, then he is insane. मतलब बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में insane आने पागल. अगर कोई मैं कहूं कि मैं किसी कंट्रोल में नहीं, फ्री हूं, जो चाहूं करूं, ये तो मूर्खता है. ये apparently हो सकता है, देखने में लगे कि मैं कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में होगा नहीं है. और स्थिति यहां तक है, हमारी कंट्रोल की स्थिति ऐसी है कि अगर मुझे यहां से मान लीजिए दिल्ली तक भी जाना है ना, 1 घंटे का समय एस्टिमेटेड टाइम ही बताया जाता है, गारंटीड टाइम कोई नहीं बताता पहुंच पाओगे. इवन मेरे पास जैसी मर्जी गाड़ी हो, आई कांट टेल कि गारंटीड टाइम में 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा. क्यों? क्योंकि आई एम नॉट अ कंट्रोलर. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच विल कंट्रोल ऑन द वे, वेदर इट्स द रेड लाइट, वेदर अ पुलिस ऑफिसर स्टैंडिंग ऑन द रेड लाइट, और वेदर एनी अदर ड्राइवर who will not let my guard go further. The living being is controlled in every respect, at least in his conditioned life. So in Bhagavad Gita, the subject matter deal with Ishwar, the supreme controller, and the jivas, the controlled living entity. Prakriti, material nature, and time, the duration of existence of whole universe, the manifestation of material nature, and karma, activity, also are discussed. तो इसमें आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि कैसे भगवान के अंतर्गत बाकी सब चीजें हैं. मटीरियल नेचर भी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है. तो आज अगर हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी में से इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स वी में से द कोविड इज जनरेटेड बाय चाइना. Maybe from one point of view, yes, we may say, or maybe some other country, we're not trying to now discuss who did that from a mundane standpoint, ki China ne kiya, India ne kiya, US ne kiya, at the end of the day, samne kisi ne yahan se kiya. Lekin, from scriptural standpoint, nothing is possible without the will of God. And we may not understand also that will, ki how that will is ki every people are suffering, because we may not have 360 degree vision. But Krishna says here, Prabhupada explain kar rahe, material nature is not independent, she is acting under the directions of Supreme Lord. So isliye hamare liye aur bhi zaruri hota hai, if this is truth, then it's more the important for us to understand the fully all these things. Otherwise, for no reason we'll just keep banging our head ki are ye kya ho gaya, are ye kya ho gaya, ye aisa nahi hona chahiye tha, waisa hona chahiye tha, itna se kyun galat kar diya isne uske sath galat kar diya, ye mere sath itna galat kyun ho gaya. To isse bhi hamare liye bahut zaruri hai is manual ko padhna, ki at least peace of mind to milega, ki if we really understand isko acche se, to at least peace of mind milega ki yes, it's beyond me, and I'll do whatever part I can play, I'll definitely play. Then, one of the most important thing
for all of us to practically live is basically is page 11 last para. अगर आपके पास ये भगवत गीता तो पेज 11 लास्ट पैरा इट स्टार्ट विद व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस. दिस कॉन्शियसनेस इज आई एम. देन व्हाट आई एम इन द कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस आई एम मींस आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे. आई एम द एंजॉयर. जो कंटामिनेटेड कंडीशनिंग है उसमें ये है. अच्छा इट वी मे बी प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस. वी मे फील ओवर philosophically we may still understand okay this is true this is bad, but when the situation comes many times we fall into this deep problem that it did not happen what I wanted. It did not happen I wanted. So then what is the truth? Prabhupada explained the world revolves because every living being thinks that he is the lord and creator of material world. Material consciousness has two psychic divisions. दो हैं इसकी डिवीजन. मटेरियल कॉन्शियसनेस मतलब दो डिवीजन क्या है. पहली क्या है. पहली है आई एम द क्रिएटर एंड अदर इज दैट आई एम द एंजॉयर. क्रिएटर एंड कंट्रोलर. क्रिएटर हूं तो नेचुरली कंट्रोल किया है. अगर मैंने धन कमाया है तो आई नो कैसे मैं खर्च सकता हूं. अपनी मर्जी से खर्चेंगे एंड आई एम द एंजॉयर और उसको भोगेंगे. बट एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड इज बोथ क्रिएटर एंड द एंजॉयर. And the living entity being part and parcel of Supreme Lord is neither creator nor the enjoyer. Then the question is, then who am I? I am not the creator nor the enjoyer. Then the answer Prabhupada gave is but a cooperator. So ye to actually kahin na kahin humko old shabdon mein likhna chahiye kahin na kahin. I am the cooperator. It doesn't sound very, very nice to the mind actually. Because हमारी कंडीशनिंग ऐसी है. कोई बोले कि भाई तुमको कोऑपरेट करने के लिए रखा है. यू हैव टू कोऑपरेट. व्हाई शुड आई कोऑपरेट. आई मीन दिस इज क्या कहते हैं ये मेरे साथ गलत हुआ है. व्हाई शुड आई कोऑपरेट. बट द पॉइंट इज द डे वी अंडरस्टैंड आई एम नॉट द लॉर्ड. आई एम नॉट द क्रिएटर एंड आई एम द कोऑपरेटर. द थिंग्स विल स्टार्ट सेटिंग इन द प्लेस. And why this is position? He is created and enjoyed. For instance, a part of machine cooperate with the whole machine. A part of body cooperate with the whole body. Most of us might have heard this many a times. The same statements, maybe read introduction also many times. But the point is, why we keep hearing it again and again? Because we want to make this groove in the heart. Our grooves are different. Our grooves are generally that the reverse. I am the enjoyer. I am the creator. Those are the conditioned grooves. To cut that groove, to keep listening that no, I am the cooperator. No, it may not sound very pally in the beginning, but that's the only truth. जी हिंदी से शुरू होके इंग्लिश में आ गए. अच्छा हिंदी इंग्लिश में हिंदी में करते हो जी. ठीक है. I'm sorry. We'll try to so इसमें क्या है कि हम कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट माने कि so आपको वो तो थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी. No, you continue Prabhuji. Like you were saying it is fine Prabhuji. Okay. You go ahead. So कॉर्पोरेट हमको करना ही पड़ेगा. Then we move further in the introduction. So basically इसमें ये इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी सारा डिटेल में बताते हैं. हमने तो बड़ा समरी में कवर किया है तो वो डिटेल में बताते हैं इसमें. हाँ इसमें एक और चीज बहुत जरूरी बताते हैं कि ये जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारी कैसे हमको हेल्प करती है भगवान को याद करने में एक्चुअली. और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि इस स्ट्रगल में हमको याद रखना. कई बार हमारा मन होता है कि जब पूरा जब शांति थोड़ी होगी. अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है. लेट मी हैंडल द सिचुएशन अभी जो अपने आसपास की.
थोड़ा समय होके थोड़ा पीसफुल होके रिटायर होके थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, इफ ही डज नॉट प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग कृष्णा व्हाइल इन व्हाइल ही स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, जब हम एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें हम याद नहीं कर पाते हैं, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो मृत्यु है वो आसान नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से तो बहुत तकलीफ है जब मृत्यु का समय आता है, तो इसलिए इस समय हमें याद करना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि हम जिस स्थिति में है उसी स्थिति में कर सकते हैं भगवान को याद, तो हमें ऐसा नहीं कि अपना घर बार छोड़ना है। अर्जुन को उन्होंने बोला नहीं एक बार भी कि तुम अभी ठीक है याद करो मुझे युद्ध छोड़ दो, बट ही सेइंग उल्टा, वो तो कह रहे हैं कि युद्ध करो मेरे लिए युद्ध करो, तो ये भी इसमें हमें मैसेज मिलेगा। सो हाँ, सो नाउ लेट्स गो टू द एसेंस ऑफ वट एवर वी हर्ड नाउ। दिस इज पैरा पेज 28 इफ यू हैव बुक द फर्स्ट पैरा, स्टार्टिंग विद दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। सो इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी, द माइंड इज ऑलवेज फ्लाइंग टू दिस एंड दैट, बट वन मस्ट प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड ऑलवेज ऑन द फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा और ऑन द साउंड ऑफ हिज नेम। जो मन है वो हमेशा इधर उधर जाता रहता है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान के ऊपर और भगवान की साउंड के ऊपर, नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर फोकस करना। द माइंड इज नेचुरली रेस्टलेस, और ये जितनी भी चीजें हैं ये अर्जुन के प्रश्न आएंगे कि चंचलम ही मना कृष्णा, इतने चंचल है कि वायु को मैं कर सकता हूँ निग्रह कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं निग्रह नहीं कर सकता हूँ, इससे क्वेश्चन आएंगे। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि अरे प्रभु ना चाहते हुए भी मैं पाप क्यों करता हूँ। तो जब आप कॉन्वर्सेशन सुनेंगे ना, तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, आई मीन व्हाटएवर क्वेश्चंस कैन बी देयर ही हैज पुट इट ऑलरेडी टू कृष्णा, एंड देन आंसर्स आल्सो कमिंग फ्रॉम द कृष्णास लोटस माउथ। The mind is naturally restless, going hither and thither, but it can rest in the sound vibration of Krishna. It takes time, it takes practice, but it is possible. It is possible. The ways and means for ultimate realization, ultimate attainment are stated in Bhagavad Gita, and the doors of this knowledge are open to everyone. We discussed this already. कि जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए भी है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी उनके लिए भी है, जो पढ़ना नहीं आते उनके लिए भी है। No one is barred out. All classes of men can approach Lord Krishna by thinking of him, by hearing. For hearing and thinking of him are possible for everyone. और इसमें अभी प्रभुपाद जी इसी 28वें चैप्टर में ना गीता महात्म्य दोहराते हैं, बोलते हैं, तो वो पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। पेज का लास्ट पैरा है, 28वें पेज का लास्ट पैरा है। In conclusion, Bhagavad Gita is transcendental literature which one should read very carefully. बहुत ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः उमान। If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all miseries and anxieties of life. ये तो basically आप उसका क्या कहते हैं? ये तो साइड इफेक्ट है, एक्चुअली साइड इफेक्ट ही इतना अच्छा है तो जो मेन इफेक्ट तो और भी अच्छा होगा। साइड इफेक्ट क्या है कि वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल द मिजरीज एंड एंजाइटीज ऑफ लाइफ, जबकि भगवद गीता का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि एंजाइटीज हमें दूर होना है, लेकिन पर्पस तो भगवान के चरणों में अपना मन लगाना है, जो पर्पस होगा एंड में आप देखेंगे। लेकिन ये तो इसका बेनिडिक्शन है। One will be freed from all fears in this life and one's next life will be spiritual. अगर complete नहीं कर पाए तो अगली भी spiritual ही होगी। उसके आगे जाते हैं, अभी picture में थोड़ी सी, then page 29. If one reads Bhagavad Gita very sincerely, with all seriousness, then by the grace of Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. तो question ये है कि
कई बार क्वेश्चन ये आता है कि मैंने, हो सकता है इस जन्म में मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है ना, लेकिन वी डू नॉट नो द पास्ट, एक्चुअली नो वन नोज द पास्ट। भगवद गीता में आएगा, एक लाइन आएगी, गहना कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है, उसको कोई जान नहीं सकता हमने क्या क्या किया है। तो इसकी ये सेकंड इसकी वो है बेनेडिक्शन है कि बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड द रिएक्शंस जो आने वाले हैं आपके ऊपर इस समय आने वाले हैं विल नॉट एक्ट अपॉन हिम। एंड देन वी सी अबैंडन ऑल वैरायटी ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर टू मी, I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. ये कृष्ण बोलते हैं इसको भगवत गीता में, स्पष्ट बोलते हैं 18वें अध्याय के 66वें में, अगर आप मेरे को शरण में आते हो, जो पास्ट सारा बैगेज गॉन, डोंट वरी, डू नॉट फियर, माँ शुचर, क्योंकि हमारी शुचर वर्ड बहुत बार बार आएगा इसमें, क्योंकि बाय नेचर बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें बहुत डाउट होता है, कोई कहे ना ऐसे कोई इतनी सस्ते में चीज मिल रही है दुकानदार पे, उसने मान लो अच्छे आम है और सस्ते में दे रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन आएगा कुछ तो गड़बड़ होगी, ये इतना फ्री में मिल नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमने देखा है कि व्हेनेवर वी ट्रस्टेड समवेयर इन पास्ट देयर मे बी सम नॉट अ गुड एक्सपीरियंसेस, सो द डाउट इज देयर, सो टू रिमूव दैट डाउट कृष्णा विल कंटिन्यू सेइंग इन डिफरेंट डिफरेंट वर्सेस, मा शुचर डाउट मत, डोंट डाउट, आप डाउट माने आप कोई शक मत करो। देन गीता महात्म्य में तीसरा वर्ष आता है, वन में क्लीन हिमसेल्फ डेली बाय टेकिंग अ बाथ इन वाटर, बट इफ वन टेक्स अ बाथ इवन वंस इन सेक्रेड गंगेस ऑफ भगवत गीता, फॉर हिम द डर्ट ऑफ मटेरियल लाइफ इज ऑल टुगेदर वैनिश्ड। सिर्फ एक बार, एक हमने साइकिल ले लिया तो समझिए ये इस जीवन की जितनी भी मटेरियल लाइफ का जो डर्ट है वो सारा वैंक्विश हो गया। और उसमें आगे है, बिकॉज भगवद गीता इज स्पोकन बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान ने अपने मन की बात बता रहे हैं, वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक लिटरेचर। चलो जी, अब अगर पेपर पास होने के लिए बता दिया जाए कितने सारे कुछ नहीं पढ़ना, आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, सिर्फ एक ही पढ़ लो काफी है, देन इसके लिए लिखा है वन नीड नॉट टू रीड एनी अदर वैदिक, दैट डज नॉट मीन मे बी दैट ओके इफ आई एम ऑलरेडी हियरिंग श्रीमद् भागवतम और लेक्चर आई मे स्टॉप देयर, नो बिकॉज देन दे विल कॉम्प्लीमेंट टू द सेम लिटरेचर, इट्स लाइक वी लाइक अ वैरायटीज ऑफ सब्जीज इन द लंच डिनर, same way those can be complemented because, but otherwise even if we don't want to do that, this is sufficient, one need only attentively and regularly hearing and reading Bhagavad Gita. And then we go to the last para, page 30, and usme likha hai, if in the this present day people are very much eager to have one scripture, one God, one religion and one occupation. Therefore, ekam shastram devaki putra gitam. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world. Now, Bhagavad Gita, usme answer hai Bhagavad Gita diya hai. One may think, it looks little thoda heretic. Matlab kuch aisa hai ki मेरी, मैं भगवान कृष्ण को मानता हूं तो सबसे उत्तम ही है, तो हम आई थिंक क्या है जो इस भगवद गीता को खरीदने का मोल है ना, वो ये नहीं है कि हमने मे बी 150 रुपए में ये खरीदी है बुक का, या 200 में खरीदी होगी, 250 में इंग्लिश की, जो भी खरीदी होगी, ये उसका मूल्य नहीं है। उसका मूल्य सिर्फ ये है कि खरीदना है अगर इसको तो है श्रद्धा, और जब हम श्रद्धा से इसको पढ़ेंगे तो देन जो मैं अभी कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ऐसा लगेगा नहीं कि इट्स अ सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी कि किसी और रिलीजन के से बेटर है ये, हम ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि फिर लगेगा कि यस देयर ऑल्सो सेम, ओनली सिमिलर मैसेज इज गिवन, ओनली थिंग इज बिकॉज ऑफ मे बी सम और अदर रीजंस वी मे नॉट हियर इट बिकॉज वी कंटिन्यू हियरिंग द मोर political angle of the religions and the true essence of these,
तो वो जो शक की भावना है वो बड़ी नेचुरल हो गई है. लेकिन इसमें क्लियरली लिखा है कि देयरफॉर इफ देयर इज ओनली वन स्क्रिप्चर शुड बी अच्छा मैसेज आया ठीक है प्रभु जी एकम लेट देयर बी ओनली वन स्क्रिप्चर सिर्फ एक स्क्रिप्चर चाहिए और कॉमन स्क्रिप्चर है भगवद गीता एको देवो देव की पुत्र एव और अगर देवता एक ही करना चाहते हैं आप तो एक ही है देव भगवान गॉड एक ही है कौन है फॉर द होल वर्ल्ड श्री कृष्ण एको मंत्र तस्य नामानि एक ही मंत्र रहे एक ही प्रेयर रहे क्या है वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कर्मापि एकम तत्स देवस्य सेवा एंड लेट देयर बी ओनली वन वर्क ओनली लेट देयर बी ओनली वन वर्क एक ही काम रहे वो क्या है सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जय सो ये बेसिकली हम इस इन सब चीजों को कवर करने वाले हैं इस भगवत गीता में आज से हम अगला नहीं शुरू करेंगे आई थिंक 7-8 मिनट बचे हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है या गिरिराज प्रभु आप कुछ शेयर कर सकते हैं और सब जो भी आप कुछ आपने सुना है कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक के बारे में आप शेयर कर सकते हैं कोई प्रश्न है वो कर सकते हैं तो इस तरह से अब हम आगे अगले सप्ताह से कैसे करेंगे कि हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे उसके बाद प्रभुपाद जी की ट्रांसलिटरेशन पढ़ेंगे और हिंदी हिंदी वाली भगवत गीता से करेंगे रजनीश प्रभु का आया है मैसेज की विल फॉलो द हिंदी बुक ओनली और उसमें से जो पर्पट है मैं हाईलाइटेड कुछ डिस्कस करूंगा लेकिन आप लोगों ने जो कहीं सुना है दोज ऑल्सो वी कैन शेयर वी विल कीप मे बी 10-15 मिनट्स द लास्ट सेशन ऑफ द पार्ट ऑफ सेशन इफ यू हैव सम मोर कमेंट टू ऐड You want to share something more about that? You are most welcome, because ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ it has to be two-way communication. It's more interactive. It's much progressive and better. Thank you. So कुछ कोई प्रश्न है या कुछ कोई comments हैं आप please share कीजिए. Hare Krishna. Thank you so very much, Devimohan Prabhu. So devotees, जो अभी हमने सुना आज. So, अगर हमारा कोई प्रश्न है तो हम वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज प्रभु जी ने बैकग्राउंड ही बताई है सारी और इंट्रोडक्शन प्रभु जी ने पूरी की पूरी कवर कर दी देखिए एक घंटे के अंदर ये इन्होंने पूरा सार बता दिया प्रभु जी ने और जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लोग आगे से ट्राई करेंगे आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश पढ़ के हिंदी में कैसे रहता है और अगर आप लोगों का फीडबैक हो कि यही चलना है या कैसे आप चलाना चाहते हैं क्योंकि भगवत गीता की जो हिंदी है वो थोड़ी सी जो वर्ड्स हैं सम वर्ड्स आर डिफिकल्ट दे आर नॉट कॉमन लैंग्वेज सो इसीलिए जैसे प्रभु जी बता रहे थे कोऑपरेटर तो अब वो उसका कोई हिंदी वर्ड ढूंढेंगे तो वो मिल भी जाएगा बट वो इतना समझ में नहीं आता है तो रोनी प्रभु यू कैन पुट इन अ सर्वे कि कितने लोग इंग्लिश पढ़ के हिंदी करना चाहते हैं और हिंदी करना चाहते हैं क्योंकि हम भागवतम भी पढ़ते हैं तो उसमें भी कई बार डिवोटीज बोलते हैं हिंदी के वर्ड्स बड़े डिफिकल्ट हैं सो मेरे ख्याल से बैलेंस ठीक है जो प्रभु जी कर रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ के हिंदी में समझा रहे हैं मेरे ख्याल से ये ठीक है अगर आप लोगों को लगता है सो विल कंटिन्यू लाइक दिस और अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है सो दे कैन आस्क Yes. Hand is yes. Rupesh Prabhu, you can unmute. Prabhuji, really, I'm very thankful to you for sharing this. I think it was a wonderful session we had. And I think when mixed kind of thing, which you are doing, I think this should be okay. Because you are in English and Hindi, so I think it will be okay. Prabhuji, I have only one question. Somewhere you said that कि ये जो COVID-19 हुआ इसके लिए हम चाइना को वी आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल और एनी अदर कंट्री पर बिना कंट्रोलर के ये नहीं हो सकता था तो आर बी ट्राइंग टू से चाइना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बट कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट आर बी ट्राइंग टू से दैट वट एवर रॉन्ग्स आर थिंग्स आर हैपनिंग तो वी कैन नॉट होल्ड चाइना रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वी शुड होल्ड कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट दैट इज आई एम स्लाइटली गेटिंग कंफ्यूज्ड Yes, yes.
Yes, so this answer, Prabhuji, I think we can give this now also, but the point is, this is what is going to be understood in the entire Bhagavad Gita. जब हम पांच ट्रुथ है आइसोलेशन में एक को हम समझ नहीं पाएंगे. एक है ईश्वर जो कंट्रोल कर रहे हैं, एक है जो जीव जो हम हैं जो भुगत रहे हैं, सो ऐसा अगर बोले कि कोविड को भुगत रहे हैं, तीसरा है नेचर जो कि ये बाया मीडिया है. वायरस इज अ नेचर, इज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एक्टिविटी, सो इट्स अ बाया मीडिया. देन दो चीजें और इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी पड़ेंगी, एक है कर्म, दूसरा है टाइम. ये दोनों के मिश्रण से सारा कुछ होता है. तो जो कर्म है ये मेरे कमाए हुए हैं, बाकी ये जो नेचर है उसको फैसिलिटेट कर रही है, और जो ये कंट्रोलर है इनकी कई फॉर्म हैं. तीन फॉर्म अगर बोले, एक तो भगवान हो गए, एक परमात्मा हो गए, ब्रह्म हो गए, है ना, तीनों फॉर्म. तो परमात्मा फॉर्म में हृदय में मेरे बैठे हुए हैं, वो न्यूट्रल है इस टाइम पे. जब तक जीव उनकी तरफ फेस नहीं करता तब तक न्यूट्रल उनकी स्थिति है. न्यूट्रल माने तो जैसे होता है ना, वो है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, है ना, न्यूट्रल की ये पोजीशन है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. वो परमात्मा ऐसे बैठे हुए हैं न्यूट्रल फॉर्म में. उसमें मेरे कर्मों की स्थिति के हिसाब से किसको कोविड कब होना है, क्या उसका होना है, वो चलता रहता है. लेकिन अगर वो कहें कि आइसोलेशन में किसी कंट्री या दूसरी कंट्री ने कर दिया उसको, तो हम ये पांचों को फिर मिला के नहीं पढ़ रहे. हमने फिर सिर्फ ये देखा कि लिविंग एंटिटी है, वो रह रहे हैं वहां पर, उन्होंने सारा कर दिया. तो भगवद्गीता की यही ब्यूटी है कि वो एक तत्व को नहीं आपको बताएंगे, वो पांचों को जब कवर करेंगे, देन दिस क्वेश्चन विल नॉट अराइज इन द माइंड. एक्चुअली वंस दिस क्वेश्चन विल नॉट अराइज इन द माइंड, देन विल स्टार्ट नेचुरल कोऑपरेशन, बिकॉज वी नो अवर रियल सिचुएशन. देन वी नो कि कितना बैगेज में कैरी कर रहा हूं पीछे, एंड देन नेचुरल सरेंडर आएगा. क्योंकि आई एम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, हु नोज प्रभु जी, हु नोज की व्हाट आई कैरी इन द पास्ट. टुडे आई एम हैविंग अ तिलक, बड़ा सुंदर कुर्ता पहना हुआ है, कंठी माला करी हुई है, पास्ट कौन जानता है. तो इसलिए प्रभु मैंने तो आपके शरण में आ गया, सारा पास्ट दे दिया. आपने बोला है महाशुच, तो आपकी जिम्मेवारी, चिंता मत कर, ठीक है, अपनी चिंता करेंगे. लेकिन फिर भी वो कंट्रोलर मेंटेलिटी ऐसी है. सर्वे जो है ना, बार बार क्यों हमें पढ़ना पड़ता है, लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग आई सर्वे. That mentality is still prevalent because I am still in a contaminated consciousness. We are practicing devotees. So, aati hai baar baar. Nahin, main kar sakta hoon. Ye mere sath galat ho gaya. Then again we read Bhagavad Gita. Oh no, Krishna said satisfied. Bhaktoon se batayenge. I hope it answered the question. But if not, then we'll... Does it make sense, Prabhuji? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. प्रभु जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप हिंदी में चलता रहे तो बहुत ही अच्छा है, जो कि हिंदी तो सबको समझ आती है. इंग्लिश में तो ऐसे आधे आधे हो जाते हैं, किसी को आता है किसी को नहीं, बट हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो तो सबको आती है. तो इसलिए हम चाहेंगे हिंदी में चलती रहे तो बहुत ही अच्छा है, बाकी जैसे हो ठीक है. माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इनफैक्ट मैं खुद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल हिंदी जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. तो उसमें क्या है, और जब मैं, क्योंकि हम जनरली क्या है इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, भगवद्गीता में पढ़ता हूँ, तो लेकिन मेरा ये 100% प्रयास रहेगा. अगर आप सब कहेंगे मुझे हिंदी में करने में, फिर भी करूंगा, लेकिन अगर कहेंगे कि हिंदी से ट्रांसलेशन करते रहे धीरे धीरे, और मैं भी चेंज करूंगा, कोऑपरेट करूंगा आपके साथ कि आपको समझ आए. मे बी एक दो सेशन या तो ऐसे देख लेते हैं, एंड अगर फिर भी लगे कि नहीं होता है तो कर लेंगे. लेकिन जैसा गिरिराज प्रभु कहेंगे वो मालिक है, तो जैसा वो कहेंगे हम करेंगे. थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा. फीडबैक के बेस पे जैसा बोलेंगे हम करेंगे. माता जी वी आर टेकिंग सर्वे. देखिए आपने भी शुक्रिया नहीं बोला, आपने भी थैंक यू बोला, सो थोड़ा सा अब हमें भी मौका दीजिए. पहले आपने मुझे सुधारा, माता जी ने मुझे सुधारा हिंदी क्या कह के, अब दिव्य मोहन प्रभु का नंबर है, सो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए माता जी. एक दो बार सेशन चलेंगे सो हम लय में आ जाएंगे माता जी, क्योंकि हम लोग सब इंग्लिश में पढ़ते हैं इसलिए हिंदी के इतने आसानी से शब्द निकलते नहीं हैं, बट विद प्रैक्टिस हम लोग आपके मापदंड पे
आने की कोशिश करेंगे माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी क्लास। हम भी कोशिश करेंगे कि हम क्रिएटर और इंजॉयर ना बन के कभी कभी आपकी कृपा से सुन सुन के फाइनली वी बिकम कोऑपरेटर, वी विल ट्राई टू कोऑपरेट। सो लेट्स सी, प्लीज प्रे फॉर मी आल्सो, सेम वे वी आर इन द सेम, आई एम लाइक वी हैव टू प्रे फॉर ईच अदर, एक्चुअली सबको करना है। That's nice. I heard a very sweet word recently. I'll just share 2 minutes more. There is a culture called Ubuntu. I don't know whether any one of you heard it before. आपने सुना है? Culture का नाम है. Culture माने सभ्यता है. जीवन की एक शैली है जिसका नाम है Ubuntu. Ubuntu में क्या होता है? That's a South African culture है, सभ्यता है. तो उसमें एक बारी एक व्यक्ति ने बच्चों के पास गया, उसने बोला कि उस पेड़ पे आम पड़े हुए हैं, तो हम जो बंदा जाएगा, बच्चे 10-20 बच्चे थे, जो सबसे पहले जाएगा उसको सारे मिलेंगे। तो बच्चों ने क्या किया, अब एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और पेड़ की तरफ भागना शुरू कर दिया, और वहां पहुंचे, पेड़ को हाथ लगाया और सब बैठ के आम खाने शुरू कर दिए। तो उस समय वो आया, वो कह रहा आपके पास तो ऑप्शन थी कि सारे आम खा सकते हैं। तो उन्होंने फिर ये बोला कि जो हम जिस सभ्यता को फॉलो करते हैं वो है Ubuntu। Ubuntu मतलब होता है आई एम बिकॉज यू आर, मेरी एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि आप हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का कल्चर है, जो एक्चुअली ट्रू भगवान का कल्चर है, वो यही है कि this is a very beautiful words I just recently heard and I thought I'll share it. Very nice. प्रदीप, एक चीज और, जैसे रुपेश प्रभु ने पूछा, जैसे नॉर्मल ले बहुत ज्यादा हम लोगों को इट्स नॉट इनसिक्योरिटी, व्हाट शुड वी से, कि लोगों को लगता है कि जैसे ये अच्छा, मतलब जैसे चाइना की एग्जांपल दी उन्होंने कि जी ऐसे कोरोना हो गया तो हमें तो लगता है कि चाइना ने करा दिया, तो जब स्पेशली ये लगता है कि अच्छा भगवान इज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली फाइनली, तो उन्हीं की विल से ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो सबको एक तरह के लगता है कि यार कुछ समथिंग इज रॉन्ग, या तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, अगर हो रहा है तो दैट मीन्स अगेन समथिंग इज रॉन्ग, कि भगवान क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सिमिलर उसी का ही, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया साइड इफेक्ट्स की बात करी, उसमें आपने एक बेनिडिक्शन की बात करी थी कि जो भी हम अगर हम फॉलो करते हैं भगवद गीता को तो रिएक्शन विल नॉट कम, जैसे होता है ना, तो उसमें भी लोग, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते धीरे धीरे भगवान का, जो भी इसका जो भगवद गीता पढ़ते हैं या भागवतम पढ़ते हैं, तो लोगों को लगने चल लगता है कि अच्छा मैं तो हैव बीन फॉलोइंग अप फॉर द लास्ट मे बी 20 years, 10 years, 15 years, तो मेरे साथ गड़बड़ क्यों होगी, मेरे साथ कोरोना, मुझे कोरोना हो गया, मुझे ये हो गया, या वट एवर। तो उसको भी थोड़ा सा प्लीज इफ यू लाइक टू एक्सप्लेन। ओके, सो आई थिंक द वर्ड आई वी यूज्ड देयर वाज the reactions and the anxieties actually. And the reactions actually, what we say, Prabhuji, is that, so Arjun ki life mein, Pandavon ki life mein, jo ki Bhagwan ke parshad hain, nitya parshad hain, if you we see their life, usse the miserable nahi apparently ho sakti, apparently. Hmm. So, to view yeah. them, Abhimanyu ka marna to bilkul hi nazayaz tha actually. कई लोगों ने मारा था खड़े होके वहां पर, और भगवान भी वहीं थे युद्ध में, अर्जुन को बचा रहे हैं, उसको नहीं बचा रहे हैं। सो द पॉइंट इज दैट नाउ अर्जुन हैज सरेंडर्ड, भगवता शुरू में उसने पढ़ ली और सरेंडर कर दिया, फिर भी उनके पुत्र मारे गए, उनके 5 पुत्र भी मरे उसके बाद, एंड में जाके अश्वत्थामा ने जो मारते हैं सोए हुए को मारता है। सो देन द क्वेश्चन केम कि ये तो ऐसा कैसे है। सो द पॉइंट इज एक्चुअली क्या है, we may have to go through some of the actions and reactions on the life, but actually if we are surrendered truly, because that feeling of that anxiety is proportionate to the proportion to what, to the value of I am not surrendered actually. Okay. So apparently it may look that okay, I am totally surrender, because I am saying this, I am totally surrender. Today also if something happens, I may not react the surrendered way actually. But Arjun did not did that way.
he still fought. After that also he did not say, अभी मैंने सर मैं तो आपको शरणागति में आया था सर, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ, मेरा बच्चा इतना प्यारा मर गया अभी तो, that means कि ये reaction तो मुझे आ गया, मैं तो reaction दिख रहा है, आपने कहा था सारा खत्म हो गया, but he still continued fighting. So these tests will, if you call it test, I think we call it test only, these tests will come. And depending on situations, we may have to pass it. Otherwise, lip service say, if I say ki I am surrendered, it may not actually work in the true sense. So which means ki in the devotional life, we may also be ready for some test coming. But yes, hold this shastra. Hold the hands of other devotees. And pass those tests. And as Bhagavad Gita Krishna said, this is not going to be, this is Dukhalyam Ashashvatam. I mean, it may not happen what I want. But if we really hold on to that, at the end of the situation, we'll definitely find everything is fine. Yes, Prabhuji, I think that's very nice. In fact, the matlab ye hai jo aapne bataya ki agar hamari miseries aur jo bhi aapne kaha ki wo nahi hongi, ya matlab hum sochte hain, so that means wo maybe wo hongi, लेकिन हमारे को जो उसकी जो स्ट्रेंथ है अर्जुन और उनकी अपने पांडवाज की एग्जांपल दी कि एक स्ट्रेंथ ऐसी मिल जाती है कि जो हमारा इंटरनल रिस्पांस है उसके लिए वो डिफरेंट हो जाता है. यस एक्सटर्नल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, राइटली पुट, एक्चुअली राइट वर्ड्स. जो हमारा रिस्पांस है वो इंटरनल रिस्पांस, अंदर का रिस्पांस जो चीज, जैसे अर्जुन को प्रॉब्लम हुई, इमोशनल हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे ही फॉट. या थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लैरिफिकेशन. Okay, I think we are over time. If no other question or something, we'll go to the discussion. Hare Krishna. Giriraj Prabhu, thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji for the wonderful class. Thank you, Prabhu. Tum naam nahi padhte, tum naam nahi padhna. हरे कृष्णा, थैंक यू डिवोटीज. मैं बताना भूल गया, एक्चुअली कल भक्ति प्रेम महाराज विल बी गिविंग क्लास टू गुड़गांव डिवोटीज 8:15 to 9:15 रात को. सो प्लीज ज्वाइन अस, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, सो प्लीज ज्वाइन अस टुमारो इवनिंग. वी वोंट हैव प्रभुपाद लीलामृत क्लास टुमारो, सो वी विल हैव एसोसिएशन ऑफ हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज. थैंक यू सो वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी.